कि उनको हर दिन जो है वो मैच जीता हुआ मिलता है और हर दिन जो है वो उनका ईद का दिन होता है। और मुझे लगता है कि जितनी खुशियां उन्होंने दे दी अब उन्होंने जो है वो एक ही खुशियों का भंडार बना के ना T20 वर्ल्ड कप इंडिया के जो है वो लोगों के अंदर बांटना है। रोहित शर्मा जो जिस तरीके से कप्तानी कर रहा है, टीम को लेकर चल रहा है, मेरा ख्याल है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे ये बताया आज विराट कोहली ने अपनी परफॉर्मेंस से दिल जीते या नहीं? बिल्कुल जीते हैं। देखें अभी तक के मैच के एक हाफ तक विराट कोहली मैन ऑफ द मैच है। इंडिया को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? हमारा हम साया मुल्क है, हमें उसे करना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि ट्रॉफी जो है वो एशिया के अंदर आए। नहीं, इंडिया को नहीं करते। इंडिया के खिलाड़ी नाम काफ़ी है उनका, बोल कर लेते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है कि जिसके बारे में आप हमेशा, मैंने लास्ट भी इंटरव्यू में एक में कहा था कि विराट कोहली 10 मैचों में स्कोर ना करे, जब 11वें में आएगा ना वो, उससे उम्मीद की जाएगी वो स्कोर करेगा। और देखें आज कैसे वो मैच उठा के लेके गया, मैच को पूरा बिल्ड करके लेके गया और अपनी तरफ वो ले आया, तो वेरी फंटास्टिक है। मैं कहता हूँ कि विराट कोहली इज़ बिग प्लेयर, वो बड़े मैच का प्लेयर है। आज बड़ा मैच था, उसने प्रूव किया कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ। रोहित शर्मा जो कि कप्तान है आज वो नहीं चले, इतना तो विराट कोहली के ही जिम्मे। आप जितना स्कोर किया है इंडिया ने, 170 प्लस स्कोर किया है इंडिया ने, तो उसका क्रेडिट आप विराट कोहली को देते हैं? हाँ, देखिए मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि जो बड़ी टीमें होती हैं ना वो पूरा वर्क करती हैं, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं उसको पूरा करती हैं। देखिए ना, रोहित शर्मा आया, उसने पहले ओवर से बाउंड्री लगाना शुरू कर दिया, मतलब कि बड़ी टीमों का एक होता है कि उन्होंने जाते सारे अटैक करना है। अच्छा, कौन लेकर जाएगा, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका? इंडिया ऐसी टीम है जो टूर्नामेंट में एक मैच भी नहीं हारी है, चांस उसका बनते हैं। वैसे अफ्रीका को हमारी दुआ है, हम तो अफ्रीका को सपोर्ट करेंगे। अफ्रीका जो ऐसी टीम है, हिस्ट्री में पहली दफ़ा फाइनल खेलने जा रही है। अफ्रीका ने, अफ्रीका का जो कैप्टन था ना, उसने ये उसने खत्म कर दिया। अफ्रीका सेमीफाइनल में हार जाता था, क्वार्टर फाइनल में हार जाता था, वो अपनी टीम को, वो लड़का मेहनत करके ना वो फाइनल में लेके गया है। तो हमें उम्मीद है, हम दुआ भी करेंगे अफ्रीका जो ना, जैसे अफ्रीका ने इसराइल को सपोर्ट किया, उसका केस लड़ा है, हम उसे सपोर्ट करेंगे। इंडिया जो हमारे वो फेवरेट टीम ने, वैसे दुनिया में ऐसे टॉप टीम है इंडिया की। रोहित शर्मा जो जिस तरीके से कप्तानी कर रहा है, टीम को लेकर चल रहा है, मेरा ख्याल है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे ये बताया आज विराट कोहली ने अपनी परफॉर्मेंस से दिल जीते या नहीं? नहीं, बिल्कुल जीते हैं। देखें अभी तक के मैच के एक हाफ तक विराट कोहली मैन ऑफ द मैच है। लेट्स सी के अगर इंडिया मैच जीता है तो ओवरऑल यानी कि विराट कोहली होगा जो यानी कि मैन ऑफ द मैच होगा। गेम है, इसमें जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा। अगर हम बात करें टीम इंडिया की, टीम इंडिया इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपने पिछले मैच में देखा किस तरह इंडियन टीम के बॉलर्स ने 103 पर उनकी तमाम टीम को जो है वो आउट कर दिया। जी, वो इंग्लैंड की टीम, वाकई आप सही बता रहे हैं, इंग्लैंड की टीम आउट हो गई थी। पर अफ्रीका के पास है ना, फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, सही है। वो फील्डिंग में अपनी जान लगा देंगे। इंडिया के पास स्पिनर बॉलर ही है और बैटिंग है, तो अफ्रीका के पास है ना फील्डिंग है, फील्डिंग ऐसी होती है, आप फील्डिंग के ना काफ़ी रन बच जाते हैं। विराट कोहली एक ब्रांड है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो फिर आप अगर उसकी बात करें तो फिर उसने तो फिर अपनी एक जो उसका एक प्लेस है, एक स्ट्रक्चर है, उसने वो तो दिखाना था फिर अपना। और फिर अगर हम विराट कोहली की बात करें कि विराट कोहली तो वो नो डाउट ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ये आपने क्यों बोला, मतलब ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड? एक्चुअली उसकी आप परफॉर्मेंस देखें, उसका एक आप फिजिक्स देखें और उसका एक एटीट्यूड, जो उसकी टॉकिंग स्पीच होती है उस तरीके कार से देखें, तीन चीज़ें ही होती हैं इंसान में जो उनको एक बेटर चीज़ बनाती है। एक तो उनका बैटर बहुत प्यार बहुत ज़बरदस्त है, फिर उनकी एक जो एक लैंग्वेज स्पीक करते हैं जो आके उनकी वो तरीके कार बड़ा बेहतरीन होता है। कौन सी टीम टफ है, कौन सी टीम जीतेगी इस दफा? इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा। इंडिया को सपोर्ट करेंगे आप इस दफा? अच्छा, इंडिया के कौन से बैट्समैन आपको बहुत पसंद है? विराट कोहली की तो फॉर्म खत्म है, पूरी दुनिया कह रही है उसकी विराट कोहली की फॉर्म खत्म। आपने बोल दिया विराट कोहली चलेंगे इस दफा। कहते तो लोग बाबर आजम के बारे में भी यही है, लेकिन बाबर आजम तो लव है, तो बुरे दिन आते हैं कोई बात नहीं, अच्छे दिन भी आएंगे। तो विराट कोहली इस टाइम आपको ज्यादा हैंडसम लग रहा है कि बाबर आजम? नो डाउट के विराट कोहली बहुत ज्यादा हैंडसम है और बाबर आजम की तो अपनी बात है, वो क्यूट है। अच्छा, बॉलिंग किसकी ज्यादा अच्छी लग रही है, इंडिया की सॉरी साउथ अफ्रीका की? मुझे लग रहा है इंडिया की अच्छी है, इंडिया की, क्योंकि उनको हर दिन जो है वो मैच जीता हुआ मिलता है और हर दिन जो है वो उनका ईद का दिन होता है। और मुझे लगता है कि जितनी खुशियां उन्होंने दे दी अब उन्होंने जो है वो एक ही खुशियों का भंडार बना के ना T20 वर्ल्ड कप इंडिया के जो है वो लोगों के अंदर बांटना है। और जिस तरह लोगों के अंदर खुशियाँ होनी है, मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान भी खुश होंगे, क्योंकि जो ट्रॉफी होगी वो इंडिया के पास होगी और हमारा इंडिया हमसाया, और वी वॉन्ट कि भाई इंडिया के पास ये ट्रॉफी जानी चाहिए क्योंकि वो वेल डिजर्व्ड है। और ये वर्ल्ड कप नहीं जीता, ड्रेस की स्ट्रीक टूटी, अभी भी स्ट्रीक लगा रहे हैं, अभी तो ये हर हाल में डिजर्व करते हैं। विराट कोहली एज अ प्लेयर आपको कैसे लगते हैं, कितना उनका एक रोब या प्रेशर होता है सामने वाली टीम पर?
मुझे पर्सनली अगर मैं कहूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो तो नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, जितने भी क्रिकेट लविंग नेशंस हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो मैं पर्सनली मैं नहीं इतना पसंद करता, लेकिन वो डेफिनेटली अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। आज जितना रन रेट किया है इंडिया ने, 170 प्लस का टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को, तो इसमें मैन ऑफ द मैच का जो क्रेडिट है वो विराट को हो जाता है। डेफिनेटली अच्छा टारगेट सेट कर दिया है, और जिस तरह का बॉलिंग कॉम्बिनेशन है उनका इंडिया का, वो मेरे ख्याल में बैटिंग कॉम्बिनेशन नहीं, बॉलिंग का, बॉलिंग उनके पास देखें बहुत अच्छी बॉलिंग है उनके पास। यार जितने भी लोग ट्रोल कर रहे हैं ना विराट कोहली को, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सबके, सबको पता चल जाएगा वर्ल्ड कप के फाइनल वाले दिन कि ये है विराट कोहली। यार एक अब एक बंदा 2000 साल से अपने मुल्क के लिए इतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ रहा है, और वो बेफर्ज एक टूर्नामेंट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, और आखिरी मैचेस में आके वो मतलब कि आपके सामने है, 7 मैचेस में उसके टोटल मेरे ख्याल में 45 रन है उसके टोटल। सी जी इंडिया की तारीफ बनती है, और मेरे ख्याल में सिर्फ शुएब अख्तर ही नहीं, पूरी दुनिया इस टाइम उनकी तारीफ कर रही है। जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया की जो है वो क्रिकेट टीम्स को जो है वो सीखना चाहिए इंडिया की टीम से। और देखें रोहित शर्मा एक ऐसा लीडर बन चुका है जो कि कोई मैच हार ही नहीं रहा, जो उसकी विनिंग परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, और मानना पड़ेगा कि भाई ऐसा कैप्टन जो है वो इंडिया को मिला, बड़े खुशकिस्मत इंडिया वाले लोग। इंडिया को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट करें, हमारा हम साया मुल्क है, हमें उसे करना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि ट्रॉफी जो है वो एशिया के अंदर आए। नहीं इंडिया को नहीं करते, इंडिया के खिलाड़ी नाम काफ़ी है, उनके बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी आए हैं, इंडिया ने काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए, पर इंडिया को हम सपोर्ट इसलिए नहीं करते कि वो हमारा पड़ोसी भी है, जो हमारा उनके साथ जो ये मामला है पाकिस्तान के इंडिया का एक शुरू साफ साफ कहना, उन्होंने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, इसलिए पाकिस्तान के वाम उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही। ये वजह नहीं है, 70 साल 72 साल से पाकिस्तान का इंडिया का तनाज़े का मुकाबला है, कश्मीर का मसला है, वो हिंदू है मुस्लिम है, राम और मुस्लिम का ये झगड़ा ये क़यामत तक रहेगा, ये हल नहीं हो सकता। दे देंगे सारा हिस्ट्री का मैच होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दोनों टीम अनबीटेबल जा रहे हैं, और साउथ अफ्रीका वो टीम है जो कहते हैं सेमीफाइनल में चौक कर जाता मगर वो फाइनल में आ गया है। सर आपको क्या लगता है कौन सी टीम विन करेगी, अगर अगर बात करें मार्करम वो भी अपनी स्टेटमेंट दे, रोहित शर्मा तो आपको पता कभी उन्होंने स्टेटमेंट दी नहीं है, और यार कहते हैं विराट कोहली की फॉर्म कहते हैं, रोहित शर्मा ये भी कहते हैं विराट कोहली खेलेंगे, और वहाँ से मार्करम कहते हैं जी हम तो 90% जीतेंगे, हमारा हम कन्फर्म हम ट्रॉफी लेके जाएंगे। सर जहाँ बात रही रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा आपको पता है कि वो जो है बातें थोड़ी करता है, काम ज़्यादा करता है। हाँ सिर्फ एक रोहित शर्मा ही से नहीं पकड़ना जाना, क्योंकि हिटमैन उसको पता है कि आप सेमीफाइनल और फाइनल में उसी ने परफॉर्म करना है, तो मेरे साथ इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, नो डाउट। उधर से जॉफर आर्चर हैज़लवुड, बड़े बड़े बॉलर बैठे हुए हैं, फिन साल्ट बैटिंग में है, उसके बाद जॉस बटलर है, तो मेरे हिसाब से टीमें दोनों टक्कर गई, लेकिन इंडिया जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, इंडिया की बॉलिंग लाइन और बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा मजबूत है।